नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपने परिवार स्टडी मटेरियल फॉर एग्जाम में। तो साथियों, आज 18 सितंबर को जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2021 का जो पेपर होकर चुका है और उसकी हम जो विश्लेषण के साथ आंसर की लेकर आए, सटीक और सही विश्लेषण के साथ आपको उत्तर मिलेंगे और अपने नंबरों का आंकलन कीजिए कि आपके कितना स्कोर बन रहा है, कितना सेफ स्कोर बन रहा है और कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो साथियों, हम करेंगे आज पूरे इस पेपर का विश्लेषण एक सही और सटीक आंसरों के साथ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं साथियों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल बटन दबाकर उस बेल आइकन को क्लिक करें ताकि गवर्नमेंट अपडेट से जुड़ी हुई जो भी न्यूज़ है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों, तो आज का पेपर स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, आज का जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 जो कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती थी, आज 18 सितंबर को इसका जो क्वेश्चन है, पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी का क्वेश्चन कह रहा है, किस विकल्प के शब्द युग्म का अर्थ असंगत है। मैं आपको ओनली फॉर इसके आंसर बताऊंगा, आप अपने हिसाब से देख लेना अपने कि आपने कौन सा सही किया और कौन सा गलत किया और अपने हिसाब से अपने नंबरों का आंकलन आप कर सकते हैं। बिल्कुल सही और सटीक आंसर मिलेगा आपको साथियों इस चैनल पे, ठीक है। तो पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, त्वष्टि या बराबर है संतुष्ट नौकर, ये इसका राइट आंसर है। कहने का तात्पर्य युग्म का अर्थ असंगत है, तो ये असंगत है, बाकी तीनों सही है। इसका मतलब पहले का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरे की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर दो कहता है, किस विकल्प के समस्त पद का समास विग्रह असंगत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देशभक्ति, देश की भक्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर तीन, किस विकल्प का प्रशासनिक शब्द अपने अर्थ से सुमेलित नहीं करता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इनसाइट, मतलब तटस्थता, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर चार, निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, शुद्ध जो शब्द है वो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीत्यानुसार, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा रीत्यानुसार। बिल्कुल आपको देखो अनुभवी विशेषज्ञों के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा इसका विश्लेषण किया गया साथियों, सही और सटीक आंसर आपको मिल रहे हैं, तो लाइक तो बनता आपको वीडियो का, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए आप, बिल्कुल इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर पाँच का, जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैंने राधा को एक पुस्तक समर्पित की, ये इस अशुद्ध वाक्य का ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वाक्यांश के लिए शब्द को संदर्भ में असंगत विकल्प को चुनिए, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजय प्राप्ति की त्रि उच्चा, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा या चरिष्णु इसका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, असंगत समासिक युग्म का चयन कीजिए, बिल्कुल इसका सही उत्तर जो है यथाविधि, क्या ऑप्शन इसका उत्तर यथाविधि तत्पुरुष समास, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जिसने ये आंसर सही किया है बिल्कुल अपने नंबर ऐड करते चाहिए और मिलाता चाहिए, आंकलन कीजिए कि अपने नंबर कहाँ तक कितने पहुँच रहे हैं, कितना सेफ स्कोर है और आप क्या चांस आने का है आपके इस भर्ती के अंदर। तो अगला क्वेश्चन, प्रत्येक में निर्मित शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए, बिल्कुल ममेरा मुरेला मेधावी मानवी, इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से बता दो। क्वेश्चन नंबर आठ, इसका सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर सी मेधावी, कृतवाचक कृत प्रत्यय से निर्मित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अर्थ की दृष्टि से कौन सी लोकोक्ति असंगत है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टके की चटाई, नो टका विदाई, धैर्य न रखना, इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल टाइम बिना टाइम वेस्ट किए क्या बनता है कि किस विकल्प के सभी परस्पर शब्द परस्पर पर्याय नहीं है, बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा धनुष कोदंड उरंग, ये इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, किस विकल्प का शब्द वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध है, इसका अशुद्ध होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके डी सरोजनी, इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस विकल्प के शब्द का संधि विच्छेद असंगत है, इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी अन्यतर, इक्वल टू अन्य प्लस उत्तर, इसका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, किस विकल्प के सभी शब्द मछली के पर्याय हैं, तो मछली के पर्याय हैं सिल्की, कामध्वज, कंटकी, इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 14, जो बोलने में बहुत चतुर हो उक्त वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाकपटु, ठीक है ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प अनुचित है, इसका
राइट आंसर हो जाएगा तेजस्वी यशस्वी। इसका सही आंसर तेजस्वी और यशस्वी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हिंदी आपके कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 16 राजस्थान जीके बेस्ट आ गया है। अगला क्वेश्चन राजस्थान जीके का है कि राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक जिले कौन से हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा किस में आपके, तो भीलवाड़ा ऑप्शन नंबर बी में कि भीलवाड़ा चित्तौड़ और उदयपुर, इसमें मक्का उत्पादक राज्य अगला जिले है सॉरी ठीक है जिले। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 राजस्थान का पहला स्पाइस ये बोलते हैं मसाला पार्क स्थापित कहाँ गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जोधपुर में। इसका राइट आंसर जोधपुर है इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य को चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हल्दी घाटी का ओजस्वी संग्राम कब हुआ था, युद्ध कब लड़ा गया था। तो वर्ष 1576 को हल्दी घाटी का ओजस्वी संग्राम लड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 वर्टिसोल्स मृदा किन जिलों में पाई जाती है। वर्टिसोल्स मृदा आपके किन जिलों में पाई जाती है जल्दी से आंसर बता दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है वर्टिसोल मृदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी झालावाड़ कोटा बूंदी, इसमें वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। कोजा बाबू हाड़ौती क्षेत्र है वहाँ पर वर्टिसोल मृदा पाई जाती है। तो हाड़ौती क्षेत्र में कोजा बाबू कोटा बूंदी बारा झालावाड़ ये क्षेत्र आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है राजस्थानी भाषा दिवस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 फरवरी है यहाँ जनवरी क्या हुआ है लेकिन ये गलत है 21 फरवरी राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा आयोजित किया जाता है बिल्कुल लेकिन कब किया जाता है इसकी जो तिथि है वो कब महंत कौन सा है। तो चैत्र माह में इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि गोसुंडी का शिलालेख कहाँ पर स्थित है। तो गोसुंडी का शिलालेख स्थित है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है चित्तौड़गढ़ में। क्वेश्चन नंबर 24 अगला क्वेश्चन झालरापाटन झालावाड़ का जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसका निर्माण करवाया था नागभट्ट सेकंड ने। बी इसका राइट आंसर नागपट सेकंड के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। अगला क्वेश्चन कहता है बड़ला सोलर पार्क उपस्थित है। तो बड़ला सोलर पार्क कहाँ पर है तो जोधपुर में बड़ला सोलर पार्क। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कह रहा है 26 जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो उसका सर्वाधिक जनसंख्या का पूछा प्रतिशत का नहीं पूछा। ध्यान से सुनना कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। सर्वाधिक जनसंख्या का पूछा तो सर्वाधिक जनसंख्या उदयपुर की होती है ना कि प्रतिशत का पूछा है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर। अगला है क्वेश्चन नंबर 27 कमाईच्छा वाद्य यंत्र है। अरे यार ये तो बोल दिया मैंने उत्तर कमाईच्छा एक वाद्य यंत्र है बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बेसिक। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 रावण हत्या किस प्रकार का वादन दे रहा। तो रावण हत्या में आपको बताता था तार होते हैं तार के आधार पर इसको तत्ववादी यंत्र कहा गया है रावण हत्या। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन है यह आपके क्वेश्चन नंबर 29 श्री लाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार हैं किसके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पट चित्र फड़के। ठीक है पट चित्र कह सकते हो या फड़के कह सकते हो श्री लाल जोशी उसके प्रसिद्ध चित्रकार हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में स्वाई जयसिंह शेखिंड ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था। तो साथियों आगरा में नहीं करवाया था ठीक है ना जयपुर दिल्ली उज्जैन में करवाया था 5 वेधशालों का निर्माण टोटल उसमें लेकिन आगरा से है उसमें शामिल नहीं है। आगरा में एक भी किसी का भी निर्माण नहीं करवाया था जयसिंह ने कह रहा है वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी आगरा में नहीं करवाया था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है किस नरसरहा को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं। तो मानगढ़ धाम बांसवाड़ा के अंदर है ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। नरसहार राजस्थान का जलियांवाला बाग इसको कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो ठोको। अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32 राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बिल्कुल कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन कईयों ने किया था किसी ने देवे किया था किसी ने भूपेंद्र यादव किया था लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जीके व्यास जगदीश कृष्ण व्यास है इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जेके व्यास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 शीतकालीन वर्षा मावट होती है ये होती है पश्चिमी विक्षोभों के कारण ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा स्वतंत्र संग्राम सेनानी सागरमल गोपाल निवासी थे जैसलमेर के थे बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है भैंसरोड़गढ़ से बिजोलिया भैंसरोड़ बोले तो चित्तौड़ से बिजोलिया भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार को उपरमाल का पठार कहा जाता है बिल्कुल राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए उपरमाल का पठार कहा जाता है उसको। अगला क्वेश्चन कहता है पोतीखाना संग्रहालय स्थित है तो पोतीखाना संग्रहालय कहाँ पर स्थित है राजस्थान में जयपुर में स्थित है पोतीखाना संग्रहालय।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, बातारी फुलवाली पुस्तक के लेखक, बातारी फुलवाली पुस्तक के लेखक थे विजयदान देता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विजयदान देता। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान उत्खान भूमि इस्तला करती भीड़ वाला भूमि कौन सी है, तो वो है चंबल। चंबल वाला क्षेत्र कौन सा है, तो चंबल वाला क्षेत्र है सवाई माधोपुर, करौली और धौरपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है जाजम आजम छपाई प्रिंट कहाँ से है, तो मलिर प्रिंट और अजरक प्रिंट तो बाड़मेर की है, लेकिन आपको यहाँ जाजम आप छिपों का वाला चित्तौड़गढ़ का बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 40 में कह रहा है कि रामसनी संप्रदाय की प्रमुख गद्दी पीठ कौन सी है, तो आपको पता है रामसनिक संप्रदाय की प्रमुख पीठ है सहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पर है, सहपुरा भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर। चलो साथियों, राजस्थान जी के और हिंदी के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम आए हैं अपने साइंस के टॉपिक, ठीक है, हॉर्टिकल्चर वगैरह, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो इसके आंसर कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 से 20 तक 60 तक है, अलग अलग 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 41 नंबर, पंजाब छुआरा किस फसल की किस्म है, पंजाब छुआरा किस फसल की किस्म है, क्वेश्चन नंबर 41। तो इस 41 का राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, डी टमाटर, किसकी किस्म है, टमाटर की, ये आपके ऑप्शन नंबर टमाटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, 10 हेक्टर क्षेत्र, बयान से कह रहा है 10 हेक्टर क्षेत्र हेतु 150 किग्रा नव क्षेत्र प्रति नव नत्रजन प्रति हेक्टर की दर से कितने यूरिया की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3255 किलोग्राम की आवश्यकता हो जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 43, किस प्रकार के मृदा अपरदन में मृदा मैट्रिक्स नष्ट हो जाता है लेकिन लंबी अवधि तक पता ही नहीं चलता, ठीक है, उसको बोलते हैं परत अपरदन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परत अपरदन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, जो का वानस्पतिक नाम है, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है जो का वानस्पतिक नाम है, तो इसका वानस्पतिक नाम हो जाएगा ओर्डियम वेलगेर, ऑर्डियम वेलगेर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना 1875 में कहां पर की गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता में की गई। कहां पर की गई थी, कलकत्ता, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है अंधी गुड़ाई में सिफारिश की जाती है, तो अंधी गुड़ाई में किसकी सिफारिश की जाती है, गन्ने की, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है ये वाष्पीकरण में प्रयुक्त पानी की प्रति इकाई उत्पादित विपणन योग्य फसल की उपज है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल अनुप्रयोग दक्षता, क्या हो जाएगा जल, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके, ये वाष्पीकरण की प्रयुक्त जो है उत्पादित विपणन, इसका जल उपयोग दक्षता होगा, क्या होगा, जल उपयोग दक्षता, ऑप्शन नंबर डी सही और सटीक आंसर, जल उपयोग दक्षता इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन 48 कह रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था बी, ऑप्शन नंबर बी, वाल्टर जेम्स लॉर्ड नॉर्थबॉर्न ने किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक मर्दा जिसका स्थूल घनत्व 1.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है एवं कण घनत्व 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, इसके रुद्रांश की प्रतिशतता क्या होगी, तो क्या होगी इसके, बिल्कुल 49 में इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 42 होगी, इसकी रुद्रांश की प्रतिशतता क्या होगी 42, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, हिंसार सुगंध फसल की एक महत्वपूर्ण किस्म है, तो किसकी है, ये धनिया की किस्म है, किसकी है, धनिया की, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके 51, कौन सी फसल को कैमल क्रॉप कहा जाता है, कैमल क्रॉप किसको कहा जाता है 51 में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जुआर को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, जुआर को, साथ में जल्दी से अगला क्वेश्चन करते हो बिना टाइम वेस्ट किए, अपने नंबरों का आंकलन कीजिए और सही और सटीक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। निम्नलिखित में कौन सी बासमती गुणवत्ता वाले चावल की संकर किस्मत है, तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का, इसका राइट हो सकेगा पी एच दस, ऑप्शन नंबर इसका सी PH10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भरतपुर और करौली जिले में जो राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड है, तो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा थर्ड बी, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का हो जाएगा थर्ड बी, इसका ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 54 कह रहा है राष्ट्रीय कृषि बाजार
एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जिसका शुभारंभ 2016 को किया गया था। आप बेल को डेट याद करने की जरूरत नहीं है, 14 अप्रैल 2016। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 कितना है, 55। तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सी बात रहा, एक परजीवी खरपतवार है स्ट्राइका स्पेशीज एक परजीवी खरपतवार है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, निम्नलिखित में से किस अनाज की एक फसल में लाइसिन और ट्रिप्टोफेन की मात्रा सबसे कम होती है। 56 नंबर की बात करते हो, 56 नंबर में आपके ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी मक्का, जो मक्का है वो सही उत्तर। 57 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 57, इसे रेशों का राजा कहते हैं, तो रेशों का राजा सबको पता है झूठ को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों, क्वेश्चन नंबर 58, आधार बीज के थैले में किस रंग का टैग लगा होता है, तो इसमें लगा होता है सफ़ेद का, किसका लगा होता है सफ़ेद का, इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ साइंस सोइल साइंस प्रणाली के मिट्टी के वर्गीकरण के अनुसार सिल्ट के कणों का व्यास कितनी मिमी का होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 59 और क्वेश्चन कहता है कितने मिमी का होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें 0.02 से 0.02 इसका सही उत्तर हो जाएगा, सॉरी 0.02 से 0.002 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कितना 0.02 से 0.002 ये इसका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान की स्थापना कहां पर की थी, इसकी स्थापना की थी भोपाल के अंदर, कहां पर की थी भोपाल एमपी के अंदर की थी इसकी स्थापना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, कुफरी फुकराज कुफरी सितमाल कुफरी अलंकार किसकी किस्में हैं, तो ये सब किस्में आपको आलू की, किसकी किस्में आलू की सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पुष्कर की इस खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो सबको पता है पुष्कर गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये एक प्राणीगत कीटनाशक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डाइमिथोएट, ये एक प्राणीगत कीटनाशक है डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है, जिब्रेलिन की खोज जापानी वैज्ञानिक ने की थी, इसका आंसर हो जाएगा कुरोसोवा ने खोज की थी इसकी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 65, क्वाइटिस विंडिफेरा किस फसल का वानस्पतिक नाम है, तो इसका 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंगूर का, वेरी गुड अंगूर इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गोद्रांति गमोसिस किस फसल से संबंधित है, तो नींबू वर्गीय फल से, किस संबंधित है नींबू वर्गीय फल से। अगला क्वेश्चन कह रहा है, खजूर का वनस्पतिक नाम, तो खजूर का वनस्पतिक नाम क्या होगा जल्दी से बता दो, आपको आ रहा है तो 67 के अंदर, तो 67 के अंदर हो जाएगा फिनिक्स डेल्टाइलिफेरा, ठीक है फिनिक्स डेल्टाइलिफेरा इसका खजूर का वनस्पतिक नाम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 68, लिकोरिस को इस नाम से भी जाना जाता है, तो लिकोरिस को किसके नाम से जाना जाता है, इसको जाता है मूलेटी, अश्वगंधा जिन्होंने किया गलत है, ज़्यादातर बच्चे यही करता है, मूलेटी इसका नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, इसको चाइनीज लेरिंग मार्कोटेज या गुट्टी के नाम से भी जाना जाता है, किसको कहा जाता है ये क्वेश्चन नंबर 69 के अंदर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एयर लेरिंग ऑप्शन नंबर ए, एयर लेरिंग इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 70, सिंचाई की ये प्रणाली पौधे के उसके सब उपयोग के बराबर पानी की आपूर्ति करती है, तो बहुत बूंद बूंद सिंचाई, ये सबको पता है बूंद बूंद सिंचाई, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आमतौर पर प्रतिशत पेक्टिन अच्छी जेली बनाने के लिए पर्याप्त होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0.5 से 1.0 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से चलो, क्वेश्चन नंबर 72, ये फल भारत के लिए एक स्वदेशी है, कौन सा फल है जो भारत के लिए एक स्वदेशी है, तो भारत के लिए स्वदेशी तो बेर है, बेर के अलावा तो कुछ नहीं है, चलो ये बेर है जो स्वदेशी फल है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। शुगर बेबी किस फसल की प्रजाति है, तो शुगर बेबी किस फसल की प्रजाति है, क्वेश्चन नंबर
73, इसका राइट आंसर हो जाएगा तरबूज की, इसकी तरबूज को बोलते हैं तरबूज, मतीरे, मतीरे की राड़ हुई थी ना, शुगर बोली, शुगर बेबी किस फसल की प्रजाति है, तरबूज की बेबी। तो साथियों अगला क्वेश्चन, प्राइड ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस फसल की एक किस्म है, प्राइड ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा पत्ता गोभी, ऑप्शन नंबर डी पत्ता गोभी इसकी राइट आंसर हो जाएगा। 75 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फल सूखा प्रतिरोधी है, सूखा प्रतिरोधी कौन सा फल है, सही उत्तर हो जाएगा, जल्दी से बता दो आप, क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनार, अनार को बोलते हैं सूखा प्रतिरोधी फल, ठीक है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 76, नर्सरी में पौधे उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त माध्यम हो सकता है, तो आपको सबको पता है प्लेट लेते हैं, मर्दा लेते हैं, मॉस लेते हैं, उपयुक्त सभी लेते हैं कि नहीं लेते हैं, तो 76 में डी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो आम का सबसे ज़्यादा आम भारत में, तो आम भारत का पेपर हो रहा है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। जेम में साधारणतः TSS प्रतिशतता होती है, 68.5 प्रतिशतता होती है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है सर। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपके 79 कह रहा है कि ये पौधे की शदाई की एक कला है जिसमें पौधे को जवारों जानवरों पक्षियों और डॉम्स जैसे सजावटी आकारों में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोपियरी, कईयों ने ए भी दोनों किया लेकिन राइट आंसर हो जाएगा टोपियरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों 80 कह रहा है भंडारण के दौरान प्याज को फुटाव को रोकने के लिए कौन सा बंटवार नियंत्रक प्रयोग में ले जाता है, तो इसका हो जाता है मेलिंग हाइड्रोक्साइड, क्या हो जाएगा मेलिंग हाइड्रोक्साइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है आपके क्वेश्चन नंबर 80 का क्या हो जाएगा मेलिन हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। 81 कह रहा है क्वेश्चन नंबर मुंहपका खुरपका रोग है तो एक संसर्ग रोग है, क्या है संसर्ग ये रोग, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पशुओं में वीरचक के रूप में किया जाता है, तो वीरचक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 82 क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और अरंडी का तेल होता है, उपयोग सभी होता है इसमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है गर्भर टेस्ट का उपयोग किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 83 तेजस्वी से क्वेश्चन कहता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध में वसा की प्रतिशत को ज्ञात करने के लिए इसका टेस्ट का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 84 क्या कहता है क्वेश्चन 84 कहता है भारत में पाए जाने वाले ऊंट की कुबड़ युक्त जो अरेबियन प्रजाति को सामान्यतः कहा जाता है, तो उसको सिंपल सा बात है ड्रोमेडरी कहा जाता है, ड्रोमेडरी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ड्रोमेडरी कहा जाता है। मेमने में पूंछ हटाने की जो क्रिया है उसको क्या कहते हैं, ठीक है इसको क्रिया को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं डॉकिंग, क्या बोलते हैं डॉकिंग, ऑप्शन नंबर डॉकिंग किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है डॉकिंग, इसको या डॉकिंग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित दवाओं में से कौन सी जानवरों में इस्तेमाल होने वाली कीटनाशक दवाएं, जानवरों में होने वाली ये दवा कौन सी है, तो जल्दी से बता दो इसका राइट आंसर आपके क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 86 में राइट आंसर हो जाएगा आपके आइवरमेक्टिन। अगला क्वेश्चन गाय की जो होलिस्टीन फ्रीशियन नस्ल की जो उत्पत्ति स्थल है वो कौन सा है, तो ये होलिस्टीन से आपको लग रहा होगा हॉलैंड से, क्या हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर है हॉलैंड, जिन्होंने किया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है 88 खीस के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है खीस के बारे में, तो ये इसका राइट आंसर होगा खीस है शरीर के बाहर के 20% से दर से देना चाहिए, खीस को शरीर बाहर के 20% दर से देना चाहिए, ये एक तथ्य गलत है सही नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रेपा हिरकस वैज्ञानिक नाम है, तो क्रेपा हिरकस बकरी का वैज्ञानिक नाम, किसका वैज्ञानिक नाम है बकरी का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 90 बकरी की विदेशी नस्ल कौन सी है, तो बकरी की विदेशी नस्ल है टोगनबर्ग बकरी की विदेशी नस्ल है। किस कुकुट रोग को न्यूकैसल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको बोला जाता है रानी रोग खेत को, किसको कहा जाता है रानी खेत को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
एक वयस्क पूर्ण मुंह वाले ऊंट के दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो दांतों की संख्या होती है उसमें आपके क्वेश्चन नंबर कह रहा है कौन सा है, 92 में ए, ये रहा आपके 34। कितने दांत होते हैं उसमें? 34 दांत होते हैं। जिन्होंने 34 किया है बिल्कुल राइट आंसर है उनका 34। अगला क्वेश्चन 93, केंद्रीय भेड़ या ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है राजस्थान के अंदर? तो अविका नगर टोंक में इसका राइट आंसर हो जाएगा, अविका नगर टोंक में स्थित है। अगला क्वेश्चन 94, हंसिया के आकार का सिंह निम्नलिखित में से किस भैंस की नस्ल है? तो हंसियाकार आकार के जो है आपके भैंस की कौन सी नस्ल है? तो बिल्कुल हंसियाकार तो सूरत वाली होती है, हंसिया आकार की तो सूरती नस्ल की भैंस है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 95, यदि दूध का CLR 28 है तो दूध का विशिष्ट गुरुत्व बताइए। 95 में आपके जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1.028 इसका सही आंसर। ध्यान से सुन लेना साथियों और ध्यान से अपना आकलन कर लेना, राजस्थान में जो निम्न में से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है? तो अरे राजस्थान की मेरिनो चोकला को कहा जाता है, बच्चों को आता है इस क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। नवीनतम पशु गणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों में बकरी की आबादी में राजस्थान का प्रथम स्थान रहा है? साथियों रोजाना बोलते हैं हम प्रथम स्थान रहा है बकरियों के अंदर, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98, तांबे के रंग का जो शरीर किस भैंस की नस्ल की विशेषता बताता है? तो तांबे के रंग के आकार की भैंस होती है भद्रावती, कौन सी है? भद्रावती, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। 99 के था विश्व की सबसे लोकप्रिय ऊनी भेड़ कौन सी है? तो विश्व की सबसे प्रसिद्ध भेड़ ऊनीनो, ओहो मेरिनो दूध सर्वाधिक, ऊन सर्वाधिक, मेरिनो भेड़ है सबसे लोकप्रिय। अगला क्वेश्चन है हिफर को कहा जाता है हिपर, तो इसका राइट आंसर रहेगा पहले प्रसव से पहले मादा युवा मादा मवेशी, इसको बोल जाता है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ये थे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कृषि परीक्षक भर्ती 2021 का जो पूरा 100 क्वेश्चनों का पेपर, उसका सॉल्यूशन विश्लेषण, सटीक और सही आंसर मिलेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है साथियों तो कमेंट बॉक्स दिया हुआ है वहाँ पर आप अपना कमेंट जरूर कमेंट करें। ठीक है साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ठोकिए जल्दी से और अपने सभी साथियों को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे आपको एक अगले वीडियो में।